नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि प्रदेश में कोरोना काल में केवल 4 माह के दौरान रेडी टू ईट टेक होम के माध्यम से जो पोषण और राशन का वितरण हुआ था उसमें 2 अरब से अधिक का घोटाला हुआ है, जबकि कोरोना काल में कर्फ्यू के दौरान घर से कोई बाहर नहीं निकला, फिर भी कागजों में फर्जी तरीके से राशन का वितरण बताया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि हमने अपने तरीके से आंगनबाड़ी और स्व सहायता समूह की कार्यकर्ताओं से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हमें किसी प्रकार का राशन नहीं मिला है तो हम कैसे वितरण करते। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि भिंड जिले में ही करोड़ों रुपए का पोषण आहार में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि भिंड महिला बाल विकास की प्रभारी अधिकारी गफ्फार खान सहित प्रदेश में जो भी अधिकारी इस घोटाले में लिप्त हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। कोरोना काल में रेडी टू ईट और टेक होम के माध्यम से जो पोषण आहार और राशन का वितरण हुआ था पूरे प्रदेश में केवल 4 महीनों में 2 अरब 8 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। और जब कोरोना काल में कर्फ्यू लगा था, कोई निकल नहीं सकता, उसके बाद भी फर्जी तरीके से कागजों में पोषण आहार और टेक होम राशन वितरण बताया गया है। हमने अपने तथ्यों से जांच की, कई आंगनवाड़ी केंद्रों स्वास्थ्य से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमने वितरण ही नहीं किया, जब बटा ही नहीं है तो इतने करोड़ों रुपए की राशि कैसे खर्च हुई, कौन कौन इसमें हिस्सेदार हैं। भिंड जिले में केवल लाहौर विधानसभा क्षेत्र में टेक होम राशन करीब 6 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ 70 लाख और टेक होम और वो अपना रेडी टू ईट दोनों मिला के करीब 12-13 करोड़ रुपए का राशन वितरण हुए। हमने आज करीब 20-25 आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं से बात की, उन्होंने लिखित में भी दिया है और अपने वीडियो भी उनके हैं, इनमें उन्होंने कहा कि हमें राशन मिला ही नहीं है, बांटने का सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ पर करीब 5 करोड़ 70 लाख रेडी टू ईट लाहौर विधानसभा में और 7 करोड़ से ज़्यादा टेक होम के माध्यम से वितरण बताया गया है। इसके लिए भिंड जिले के महिला बाल विकास अधिकारी वर्तमान में जो इंचार्ज में हैं गफ्फार खान दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होकर तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, ये हमारी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री से मांग है।